हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रूबरू और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट को नो कहा। एम्स जैसी बड़ी संस्थान से डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के बाद इन्होंने रॉकलैंड हॉस्पिटल की कमान संभाली। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री डॉक्टर पीके दवे की। पद्मश्री डॉक्टर पीके दवे, जिनकी जिंदगी का मायने है लोगों को सेहतमंद जीवन प्रदान करना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। जी हाँ, पीके दवे ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अस्मरणीय काम किए और कई अवार्ड से नवाजे गए। डॉक्टर दवे देश के नंबर वन बेहतरीन और सबसे अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन कहे जाते हैं। साल 1956 में एम्स के पहले बैच के स्टूडेंट रहे डॉक्टर दवे ने एम्स के शुरुआती दौर से लेकर शिखर तक का सफर तय किया है। वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे और सालों तक हेल्थ सुपरिटेंडेंट के पद पर भी रहे। डॉक्टर दवे साल 1996 से लेकर साल 2003 तक एम्स के डायरेक्टर रहे। इसके अलावा डॉक्टर दवे ने हेल्थ डिपार्टमेंट में कई ऊंचे पद के कार्यभार भी संभाले, जैसे एडिटर ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्थोपेडिक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग, प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो PGI, एम्स, NII, IGIMS, NIHFW, नेल ग्रिम्स और SGPGI के मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के मेंबर भी रहे। डॉक्टर देवे को आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जैसे गौरवपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सिटीजंस फोरम ऑफ सिविल राइट्स की ओर से श्रेष्ठ श्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1995 और 1997 में डॉक्टर दवे को एम्सोनियंस ऑफ अमेरिका की तरफ से चीफ गेस्ट का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उन्हें ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिल्ली एसोसिएशन ने डॉक्टर दवे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। वर्तमान में डॉक्टर दवे रॉकलैंड हॉस्पिटल के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर दवे ने एम्स से जुड़कर उसे विश्व स्तरीय अस्पताल के तौर पर पहचान दिलाई, ठीक उसी तरह जब डॉक्टर दवे ने रॉकलैंड हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था तब वहां पर बेसिक जरूरतें भी ढंग की नहीं थी, लेकिन डॉक्टर दवे की मेहनत और काम करने के अलग तरीके ने रॉकलैंड हॉस्पिटल को एक बेहतरीन अस्पताल के रूप में पहचान दिलाई। आज रॉकलैंड हॉस्पिटल में सभी तरह की सर्जरी और इलाज के साथ साथ यहाँ हर वर्ग के मरीजों पर खास ध्यान दिया जाता है। रॉकलैंड हॉस्पिटल में हर वो सुविधा उपलब्ध है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सके। डॉक्टर दवे, जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के स्वास्थ्य और उनके बेहतर इलाज के नाम कर दिया। जी हाँ, डॉक्टर पीके दवे का स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया ये योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। धन्यवाद। आपने काफी समय तक सेवा दिया एम्स में और उसके बाद रॉकलैंड आए। किस तरह से रॉकलैंड को आपने चुना, उसके बारे में बताइए। रॉकलैंड तो जो ये रॉकलैंड के जो मालिक लोग थे वो हमारे एक कुलीग हैं, डॉक्टर शर्मा नेक्स्ट डोर, उनकी काफ़ी जान पहचान थी और वो कहते थे कि हमारे फ्रेंड्स हैं, वो एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? आई सेड यस। तो हमने तब से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। क्या क्या चैलेंजेस थे आपके लिए? यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं थे, यानी पेशेंट आते थे और कोई देखभाल नहीं हो पाती थी क्योंकि OPD चालू ही नहीं हुई थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं यहाँ आया था मैंने ही OPD चालू करवाई थी। मैंने ही कहा था भाई कुछ तो पेशेंट केयर सर्विस को चालू किया जाए, अदरवाइज हम खाली बैठे रहेंगे। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और फिर हमने जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर हमने सोचा कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू हैव सम अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो, लाइक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिसिन। उसके बाद तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी शुरू हुआ, फिर हमने यहाँ कैंसर सेवा भी शुरू कर दी जी। तो डॉक्टर पांडे हैं हमारे, तो वो कैंसर के एक्सपर्ट हैं, तो हमने कैंसर का सर्जरी और कैंसर की कीमोथेरेपी वगैरह भी चालू किया। फिर धीरे धीरे और डिपार्टमेंट्स आते गए, जैसे फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी,
और ENT NI, तो ये सब हमने डिपार्टमेंट बाय एंड बाय चालू करवाए। और इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? एक तो जो हमारी नेशनल सोसाइटी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर, एक्चुअली मैं उसका प्रेसिडेंट था। तो हमने सोचा कि अगर ये सोसाइटी है और ये लोगों को एक्रेडिटेशन प्लान करती है तो हमें क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमने ये जो था, हमने इसी अस्पताल से शुरू किया कि जो NABH है उसकी हमारे अस्पताल में भी क्लियर हो। NABH के क्या क्या क्राइटेरिया हैं? जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, मतलब ये समझिए कि पेशेंट का जो कुछ भी काम होता है उस पर NABH के प्रोटोकॉल्स थे, क्राइटेरिया भी थे। जैसे कि हम रिसेप्शन पे कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसको हम वार्ड में भेजेंगे तो उसमें स्टिपुलेशन है कि आपके वार्ड में जाते ही आधे घंटे के बीच में किसी डॉक्टर ने देख लेना चाहिए, जो यंग डॉक्टर है, और शाम तक कंसल्टेंट ने देख लेना चाहिए। आप अभी तक आपने प्रैक्टिस को नहीं रोका है, जब हम पहुंचे थे तो थोड़ी देर पहले भी आप पेशेंट देख रहे थे, कैसे मैनेज करते हैं आप? ऑपरेशन थिएटर जो है हम लोगों के लिए एक तरह से हमारा मंदिर होता है, वहाँ हम चले जाते हैं तो फिर सब दुनिया भूल जाते हैं, ऑपरेशन पर ही ध्यान रहता है। तो आई यूज टू डू 2 ऑपरेशन सेशंस ए वीक एंड 2 आउट पेशेंट्स ए वीक, और वो मैंने इसलिए किया कि अल्टीमेटली कभी ना कभी तो रिटायर होऊंगा तो फिर कैसे करूँगा, हाथ ही नहीं चलेंगे। तो आई केप्ट माईसेल्फ इन टच विद सर्जरी विद पेशेंट्स एंड ऑल दैट। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया ढंग से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्या सरकारी संस्थान उस तरह से काम कर रही हैं? कुछ कमियां आप देखते हैं? चीज़ों की कमी है, जैसे इक्विपमेंट की कमी है, दवाएं शायद नहीं होती हैं हॉस्पिटल के पास। दूसरा यह है कि मैनेजमेंट की कमी। भाई आपने एक सिस्टम बनाया है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, एक CVC होगा, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, तो आमतौर पर डॉक्टर लोग जो हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं जाते, शहर में जा कर के प्रैक्टिस करते। वाई शुड दिस बी अलाउड? ये मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, सरकार की कमज़ोरी है ये। अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, कुछ करिए। समाज में जो योगदान आपने दिया उसके लिए आपको सरकार ने पद्मश्री से नवाजा, जिस मोमेंट वो अनाउंस हुआ क्या कुछ आपके जहन में आया, क्या महसूस किया आपने? बहुत खुशी की तो बात है, सरकार ने रिकग्नाइज किया कि हम इस लायक हैं कि हमें पद्मश्री दिया जाए, और ये भी एक बड़ा सिंबॉलिक होता है, आप वहाँ जाते हैं और आपको पद्मश्री प्रदान किया जाता है। इंसिडेंटली उस वक्त नारायणन थे प्रेसिडेंट, तो नारायणन जी का मैं आई वॉज सर्जन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उन्हीं के हाथों फिर मुझे पद्मश्री मिला, तो अच्छा लगा। ही वॉज ए गुड मैन। एक डॉक्टरी प्रोफेशन में क्या चैलेंजिंग अभी तक आपने फेस किया? क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह का पेशेंट आता है, जिसको खांसी जुकाम है वो भी आ रहा है, जिसको गले का कैंसर है वो भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम गले के कैंसर पर ज़्यादा टाइम दे सकें, वो तभी हो सकता है जबकि हम ये जो मामूली बीमारियाँ हैं उनको दूर कर सकें। तो हमने एक बनाया था प्रोग्राम स्क्रीनिंग OPD का, शायद अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मेरे टाइम में तो नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा टाइम होता मेरे पास एक दो साल तो मैं उसको ज़रूर चालू करवा देता, क्योंकि उससे हमारी जो कार्यशैली है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ता। यह है कि डॉक्टर्स के पास ज़्यादा टाइम होता टू टेक केयर ऑफ मोर सीरियस पेशेंट्स, टू टेक केयर ऑफ मोर रिसर्च राइटिंग पेपर्स एंड अदर थिंग्स, वो हो जाता तो बहुत अच्छा था। वो कौन सा वर्च्यू है, किस गुण की वजह से आप अलग हैं इन सभी से? अपने प्रोफेशन में आई रोज टू द टॉप। डायरेक्टर की जो पोस्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, ये हाईएस्ट पोस्ट है फॉर ए मेडिकल मैन, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं, ऑब्वियसली अगर आप विदेश चले जाते तो आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता, यहाँ पर सरकार के जो भी तनख्वाह, हम तो तनख्वाह में ही रहते थे तो वो जो है थोड़ा कम ही होता है, ये है। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरी कोई बहुत सी डिमांड्स नहीं है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, आई हैड अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास था मेरा, उसी तरीके से मैं रहता था, तो मेरे को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, फाइनेंशियली तकलीफ नहीं थी मुझे। क्या फ़र्क आप देखते हैं आपकी जनरेशन और आज की जनरेशन में? मेरे टाइम की जनरेशन जो थी बड़ी
आइडियलिस्टिक थी, हार्ड वर्किंग थी, ओबीडियंट थी और बहुत काम करती थी जी। काम तो आजकल भी करते हैं, लेकिन वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट जो है उसमें शायद कमी है। आप देख रहे हैं रूबरू और हम रॉकलैंड हॉस्पिटल में हैं। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि हम हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स डॉक्टर दवे के साथ चलेंगे, तो इस वक्त हम रिसेप्शन के पास खड़े हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल रिसेप्शन के पास है और जो पेशेंट आता है उसका फर्स्ट साक्षात्कार यहीं पर होता है, जो कि हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो फिर उनको गाइड करते हैं। तो चलिए हम सारे डिपार्टमेंट्स में एक एक करके डॉक्टर दवे के साथ एक दौरा करेंगे और जानेंगे कि इनके जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो कितना कुछ सीख पाए हैं इनसे और कितने परफेक्ट हैं और इनके बारे में भी उनकी क्या राय है वो सब जानेंगे। चलते हैं, आइए। डॉक्टर दवे को मैं पिछले 50 साल से उपज मिला मेडिकल इंस्टीट्यूट से आता हूँ। क्या खासियत है? ये ग्रेट ह्यूमन बींग, ही इज द बेस्ट पर्सन, यू कैन ऑलवेज फाइंड हिम स्माइलिंग, ऑलवेज हेल्पफुल। आई हैव सीन हिम एज ए पोस्ट ग्रेजुएट, स्टार असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड डायरेक्टर एंड देन हियर। हम साथ ही साथ हैं, जिससे हमने ये सोच के बनाया था इस अस्पताल को कि जो अस्पताल वही वैल्यू रखेंगे जो एम्स में थी, इन्हीं की गाइडेंस में ये हॉस्पिटल ग्रो किया है। ये डॉक्टर वन्ना कैंट हैं। हम मॉर्निंग में आके जब इन्हें देख लेते हैं तो वी फील कि हमें और एनर्जी से काम करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिम एवरी डे। शी इज आवर चीफ ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब हम इन पर ही डिपेंड करते हैं हर चीज के लिए। एंड शी जॉइंड अस ओनली फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स बैक। सो टेल मी अबाउट योर डिपार्टमेंट। सो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, so we are basically about the operation theater and all, so we are the ones who anesthetize the patients and take post op care of these patients, right? So without anesthesia no surgery can be done because surgery is always very painful, right sir? Yes sir, aapne bataya tha ki jo pehle ot yahan par tha lekin operations nahi hote the, aap jab aaye to jab main aaye to main niche ek chhota sa theater tha, I was the first one to do a very major operation there itself. That is the spinal surgery, open, chest open and all that. And I said, let me do it, तभी और लोग करेंगे, नहीं तो नहीं कोई करेगा। तो हम चलें ऑपरेशन थिएटर एक बार दिखाएं। Yeah, please come, come. We'll show. तो चलिए इस टीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर के साथ देखते हैं कि ओटी में किस तरह से ये लोग काम करते हैं। चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक पेशेंट यहाँ आया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? पेशेंट आने के बाद हम लोग मेनली एक आईवी कैनुला लगाते हैं, इंट्रावीनस जो कहते हैं, उसके बाद हम दवाओं से बेहोश करते हैं पेशेंट। वो बेहोश होने के बाद उसके पाइप, सांस की नली में एक पाइप डाल दिया जाता है और इस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं जो पेशेंट को सांस देती है और उसकी दवाएँ सब देती है। यानी कि ऑपरेशन के दौरान उसे प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए। हाँ वो तो है ना, ये सब ऑक्सीजन होता है, देखिए इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस और हमें जो भी गैस देना है, फ्लोरीन या जो बेहोश करने वाली गैस है वो देते हैं हम उनको। जब तक ऑपरेशन होता है देते हैं हम, और उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है ऑपरेशन फिर पेशेंट को वापस होश में लाते हैं जी। कितने मेजर ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं मुझे ये बताइए। हमारे हॉस्पिटल में कम से कम एवरी मंथ वी आर डूइंग अराउंड 300 टू 400 सर्जरीज। पेशेंट के पैरामीटर्स आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईसीजी, ऑक्सीजन कितना है, कैसी सांस ले रहा है, ब्लड प्रेशर, वो सब आता रहता है पूरे टाइम। हम कनेक्ट कर देते हैं, हर चीज़ कनेक्ट हो जाती है पेशेंट। हम आईसीयू में हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे कहा जाता है, यानी कि पेशेंट का केयर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने किन बातों का यहाँ पर ख्याल रखा है? एक तो इनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग है, यहाँ पे नर्सेज की प्रेजेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन नर्स पर पेशेंट। एंड जो भी इक्विपमेंट है यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मॉनिटर कर सकते हैं कितना बीपी, कितना रेस्पिरेशन चल रहा है, सब सब कुछ ठीक है। तो जब ऑपरेशन हो जाता है हम लोग फिर यहाँ आते हैं, इन लोगों से पूछते हैं भाई सब ठीक है ना, आज द पेशेंट, तो फिर उसके बाद फिर देन दे एक दिन यहाँ रहते हैं एटलीस्ट मेरे पेशेंट, फिर एक दिन के बाद हम उनको वार्ड में भेज देते हैं। इस डिपार्टमेंट की सब हर एक डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल है,
और इनके जो SOPs बने हुए हैं एंड दे फॉलो देम. क्या क्राइटेरिया है? जनरली इन आवर लाइक डेली प्रैक्टिस वी यूज टू इनरोल ईच एंड एवरी पेशेंट्स फॉर द अदर ECG फॉर द इकोकार्डियोग्राफी. वी हैव ऑल द डिस्पोजेबल्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द टेस्ट डिस्पोजेबल PMO लाइन ऑल द इक्विपमेंट वी हैव हियर फॉर रिलेटेड विद ईच एंड एवरी टेस्ट. लाइक फॉर द रोबोटॉमी टेस्ट वी हैव डिफिब्रिलेटर योर क्रैश कार्ड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द क्रैश कार्ड. फॉर द होल्डर वी हैव Philips machines, best machine of the Holter test. We have the two system for that. You can see for the ECG, we have A4 size ECG we used to give to the patient. There are very few hospitals who used to give A4 size of ECG. Who is A4? And that I'll take this. Aye. This kind of ECG paper we used to give to the patient. Aye. This kind of ECG paper we used to give to the patients. A4 size. This paper is generally used for the TMT machines, but we used to give this paper to the patient for the ECG. Average patient, all patients. ये उन्हें मदद करता है. Yes, ये paper की खास बात ये थी कि this paper are persistent. Like other paper they have just washed out from the paper. ECG is washed out from paper, but this will persist for the long times. Okay, तो वो further भी इस report को refer कर सकते हैं. More preservable than other. ये जो आप देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे स्क्वायर इनको देख कर के लोग पल्स रेट वगैरह बता देते हैं. लाइक वी हैव ऑक्सीजन सिलेंडर विद अस, वी हैव अ प्रॉपर चेंजिंग रूम, वी हैव अ प्रॉपर हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज हियर. सो फॉर NABH वी हैव एवरीथिंग. बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ भी आइए. थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू मानिक जी. सर बताइए ये आपका जो डिपार्टमेंट है क्या भैया? 2-3 डिपार्टमेंट से है ना, तो एमरजेंसी का 2-3 बेड्स ओवर हियर एंड दिस इज द DCU बेसिकली. डे केयर सर्जरी जितनी होती हैं सर की इंक्लूडिंग सर्जरी तो सारी यहीं पे होती हैं हमारे पास में. तो इन डे केयर 24 आवर सर्जरी और एक हमारे पास यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, इसमें छोटे मोटे प्रोसीजर जो हैं वो यार डूइंग ओवर हियर. यानी कि फॉरन अगर के साथ पेशेंट यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आप यहाँ एनी पेशेंट व्हिच इज इन अ व्हिच नीड्स अ इमरजेंसी केयर सो दे डील विद मी. आप देख रहे हैं रूबरू और हमारी आज की खास शख्सियत हैं पद्मश्री डॉक्टर PK दवे जी. हम उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से जानेंगे. आइए मिलते हैं उनके परिवार से. सर बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के हैं और यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बड़े लड़के हैं. इनका नाम पुनीत दवे है, ही वर्क्स इन ए प्राइवेट फर्म. ये जो हैं ही इज़ एन एक्सपोर्ट एग्जीक्यूटिव. ये जो हैं मेरी धर्मपत्नी है, इनका नाम है मंजू दवे. ये लखनऊ में रहती थी शादी से पहले और वहाँ से आई हैं. और ये है आर्तिका दवे, 1 मिनट बड़ी है ये. और ये जो है ये सातिका दवे है और ये उनकी मदर हैं कविता दवे. ये बेसिकली शी इज़ क्वाइट एन आर्टिस्ट, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं. डांस भी सीखा हुआ है, शी हैज़ ऑल्सो ये पेंटिंग वगैरह सिखाती हैं बच्चों को यहाँ पर आते हैं और ख़ुद भी अच्छी पेंटिंग करती हैं. ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये गणेश वगैरह ये सब इन्हीं के बनाए हुए हैं. कोई ऐसा मौका आप बताएं जब आपको लगा कि इनका सेहत इनका साथ नहीं दे रहा हो लेकिन इन्होंने अपने पेशेंट को प्रायोरिटी समझा? हाँ, कभी कभी जैसे जब अक्सर खांसी हो जाती बाबा को तो सभी बाबा हॉस्पिटल जाते हैं. कभी कभी हमारा भी जैसे मन करता है कि जुकाम हो गया खांसी हो गई तो घर पर छुट्टी लेके बैठे हैं, हम इनको बोलते हैं कि आप छुट्टी ले लो, बच्ची ये छुट्टी नहीं लेते. इनकी धर्मपत्नी मंजू जी हमारे साथ हैं. मंजू जी आपकी शादी कैसे हुई, बहुत थोड़ा पीछे चले? बहुत पहले अरेंज मैरिज. रिटायरमेंट के बाद क्या जी नहीं किया कि रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं? घर पे तो बैठे रहना ज़रा मुश्किल ही होता है. जी, रॉकलैंड को कब ज्वाइन किया आपने? मैंने July 2003. और उस वक्त कैसा था अस्पताल जब आपने ज्वाइन किया? मैं तो कहूँगा बिल्कुल बेसिक ही था, मतलब वहाँ पर ठीक से आउट पेशेंट भी नहीं थे. आउट पेशेंट मैंने जाके स्टार्ट करवाई कि कम से कम मरीज़ तो हम देखना शुरू करें. आपकी शादी जब इनसे हुई थी तब किस तरह की आदतें थी, क्या उस वक्त भी इतने ही मेहनती थे? नहीं,
स्टूडेंट लाइफ के बारे में हमें बताइए। स्कूलिंग तो मेरी आगरा में हुई थी, छोटा सा स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दिल्ली में आ गया था। आई एम ए डीएवी प्रोडक्ट। जब मेडिसिन में जाने लगे तो उस ज़माने में दिल्ली में कोई बॉयज़ के लिए कोई कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो ऐसा होता था, हम लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 5 लोगों को नॉमिनेट करती थी। तो नॉमिनेशन में मेरा आया ग्वालियर, तो ग्वालियर में हो गया। फिर आपने पढ़ाई भी वही की और फिर वहीं पर काम भी शुरू कर दिया। वहीं पर हाँ, वो तो MBBS किया, उसके बाद रजिस्ट्रार हो गए, फिर MS किया, MS के बाद फिर लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अप द लैडर। आप एम्स के फर्स्ट बैच में थे? हाँ, आई जॉइंड इन 1956। कभी से एम्स शुरू हुआ था तो हमारे ऊपर तो कोई था ही नहीं। वी वर द फर्स्ट बैच एंड द पैम्पर्ड बैच कहलाता था। 1956 से लेके अभी तक क्या क्या तब्दीलियां आपने देखी और कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं इसे भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में? एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट वाज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में उन्होंने इंस्टीट्यूट को 2-3 चीज़ें की। उनके लिए जो टास्क था वो ये था, पेशेंट केयर, रिसर्च एंड टीचिंग। तो पेशेंट केयर में तो आई थिंक वी आर स्टिल द बेस्ट एट द मोमेंट। उस टाइम पर नहीं था कुछ भी, वो भी धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। टीचिंग में तो आई थिंक वी आर सुपर। जो रिसर्च है वो भी बहुत अच्छी रिसर्च। स्पोर्ट्स में आप काफ़ी रहे? हाँ, क्रिकेट और टेबल टेनिस। अब क्रिकेट देखते हैं आप? अब देखता कम होगा। आप दोनों को मन है कि आप भी दादाजी जैसे डॉक्टर बने? नहीं, क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? मुझे डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ दादा डॉक्टर अच्छा, बाकी कोई सारी डॉक्टर अच्छा। सो स्वीट। तो आपको क्या बनना है? मुझे एक सक्सेसफुल डांसर। और आपको? मुझे आर्किटेक्ट या फिर शेफ। यानी कि दोनों ही क्रिएटिव हैं। मम्मी पर गई हैं मुझे लगता है। अभी तक जो सफ़र रहा है सर का, वो काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया है। किस तरह का आप महसूस करती हैं बीइंग हिज डॉटर इन लॉ? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे मैं पापा को देखती हूँ, उनका जो उनकी इतनी उपलब्धियाँ मिलती हैं, उनके जो मेहनत का नतीजा है वो सारा, तो उसके जैसे उनकी तो जो है फेम है वो है, साथ में हम भी उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। लोग हमें भी उतने ही रिस्पेक्ट, उतने ही आदर के साथ हमारे साथ बिहेव करते हैं, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अस्पताल को देखने के अलावा और किन चीज़ों का शौक रखते हैं आप? मैं आई लाइक रीडिंग, बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ मैं, और आई लाइक म्यूजिक आल्सो, मुझे गज़ल्स बहुत पसंद है। फिल्मों का शौक रखते हैं आप? हाँ, फिल्म के बारे में नॉलेज मेरी अच्छी है। जैसे? एंड आई वुड लाइक टू सी ए गुड फिल्म। मैं पुरानी फिल्मों के बारे में बता सकता हूँ? पुरानी फिल्मों में कौन है आपके फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो थे अशोक कुमार और संजीव कुमार जी। और मैं इन लोगों को भी कभी कभी कहता हूँ कि द अल्टीमेट शोमैन इन दिस कंट्री वाज राज कपूर। शोमैन। अब आजकल की फिल्में आप देखते हैं? नहीं। बच्चों के साथ कभी? बच्चों के साथ कभी कभी देखता हूँ। या लास्ट मूवी कौन सी देखी? इनकी लास्ट फिल्म थी हमारे साथ बॉस, और दादा ऋतिक रोशन को नचनिया बोलते। फेवरेट हीरोइन कौन है दादाजी की? सबसे बढ़िया जो हीरोइन थी वो थी मधुबाला। सर, जो आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, युवा हैं जो कुछ नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि बी प्रोफेशनल एंड बी पोलाइट विद योर पेशेंट, और हर एक छोटा या बड़ा पेशेंट कैसा भी हो, समान भाव से डील करो उसके साथ। So you will have no problems in life. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, मुझे पूरी उम्मीद है जो सीख आपने हमें दी है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही काम आएगी, और अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी ऐसी ही शख्सियत से करेंगे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें rubaroo@sadhnanews.net।